Yes, 10th class. Now it is example number 3 and it's a little bit difficult question. बड़े ध्यान से समझना है और important है. जिन्होंने standard maths लिया है उनके लिए पक्का important है, आ सकता है. Exam में बिल्कुल आ सकता है. और देखो basics में भी तो NCERT आता है, तो उसमें भी आ सकता है. तो ये question important है. अगर examiner difficult paper set करना पड़ता है, करना चाहता है, तो पक्का कर सकता है. तो देखो पहले फिगर में क्या बन दिया हुआ है, ये सर्कल दिया है हमारे को. फिर टीपी एंड टीक्यू दो टेंजेंट्स दी हैं. अब आपको पता है कि जब एक पॉइंट से ड्रॉ करते तो दोनों बराबर होती हैं, तो हमने इनको बराबर लिया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है एक. फिर देखिए और फिर क्या कहते थे, टेंजेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ये बता दिया. फिर फाइंड द लेंथ टीपी, हमें निकालनी है ये टीपी, तो हमने बता दिया कि निकालना क्या है, टीपी निकालना है. अब ज्वाइन ओटी, हमने ओटी को ज्वाइन कर दिया. टीपी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो मैंने पहले ही बता दिया. टीओ इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ पीटीओ, टीओ एंगुलर बाइसेक्टर है पीटीओ का, ठीक है, एंड पीटीक्यू का, सॉरी पीटीक्यू का है, क्योंकि देखो पीटीक्यू ये एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा. ओटी बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर 90 डिग्री हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, तो ये ट्राइंगल हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है. तो देखो ये पूरा 8 था, ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी 4, ये भी 4, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया. पाइथागोरस लगा दो तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गया. देखो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस. तो हमने लगा दिया स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हमारा एच था 5, पी था 4, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, और ये आ गया बी हमारा बेस, यानी कि ओ आर आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर. अब ध्यान से समझने की बात है, बहुत ही ध्यान से देखो क्या कहता है. कहता है टी पी आर दिस एंगल एंड आर पी ओ ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, इसका और इसका जोड़ 90 डिग्री है. क्यों है, क्योंकि जब हम सेंटर से किसी टेंजेंट पर ज्वाइन करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते, तो 90 डिग्री होता है, इसलिए दिस प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. फिर से कहता है टी पी आर ये एंगल एंड पी टी आर, देखिए जरा पी टी आर ये एंगल और ये एंगल, फिर से 90 डिग्री कह रहा है. क्यों कह रहा है, सोचिए जरा, क्योंकि ये 90 था तो बचे हुए दो एंगल का जोड़ भी 90 हो गया. तो देखो अब यहां से और यहां से एक और एंगल निकालेंगे हम, टीपीआर से टीपीआर कट हो गया, तो आरपीओ इज इक्वल टू पीटीआर बच गया. आरपीओ ये एंगल इज इक्वल टू पीटीआर, ये इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये एंगल, एक एंगल तो ये बराबर हो गया, एक ये एंगल 90-90 बराबर हो गया. तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों हो गए सिमिलर. सिमिलर होते ही हमने सिमिलरिटी की साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे. कैसे लगाएंगे, देखो पी टी आर एंड टी टी आर पी लिख लीजिए, टी आर पी एंड पी आर ओ. तो देखो बेटा ध्यान से, टी पी बाय पी ओ देन आर पी बाय आर ओ देन पी टी बाय पी ओ, ये सब हमने लगा दिया. पी टी पीओ क्या थी हमारी, पीओ थी 5 सेंटीमीटर, राइट बेटा? यस बेटा. तो टीपी की वैल्यू आ गई 20/3. तो अगर हम अल्टरनेट मेथड लेते हैं तो इन दोनों चीजों का फायदा उठाते हुए टीपी की कीमत आ गई, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो 20/3. अब देखो, अब देखते हैं, हमें निकालना टीपी है तो इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो. देखो ये 90 डिग्री था, ये ट्राइंगल बन गई राइट एंगल ट्राइंगल. बहुत ध्यान से समझने का क्वेश्चन है. तो देखिए एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, राइट बेटा? एक इक्वेशन आ गई ये. और दूसरी ट्राइंगल लेंगे ओ पी टी, देखो ये बड़ी वाली ट्राइंगल, ये भी तो 90 डिग्री की ट्राइंगल. देखो यहां से 90 था तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये ना ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, और ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वाई प्लस 3.
वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ओके बेटा, यस बेटा, अब हमारी दो इक्वेशन आ गई हैं, ये दो आई हैं, तो अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, दिस माइनस दिस, दिस इसको इधर ले आए, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका हमने खोल दिया, ये देखो ये फॉर्मूला लगा के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस टू ए बी 6x। तो हमने वाई स्क्वायर माइनस 6y को इधर ले आए, 9 को उधर ही रहने दिया, एंड इसको भी उधर ले गए, माइनस 25, राइट बेटा। तो अब देखिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको सॉल्व किया तो माइनस 16 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया प्लस, तो ये कट गया, ये कट गया, ये 6y और ये 16 और 16 मिलके 32, y की कीमत आई 32/6 यानी कि 16/3। अब 16/3 को इस 1 में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, 16 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 16/9, यहाँ पे रह गया 1, फिर एलसीएम लीजिए, 16 + 9/9, तो ये आ गया 16 इंटू, इन दोनों को जोड़ दिया 25/9, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, अंडर द रूट कर दीजिए, 16 का 4, 25 का 5, 9 का 3, तो आंसर आया 20/3 सेंटीमीटर। तो हमने टीपी निकाल दिया 20/3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, लेंथी है, लेकिन एक दो बार करोगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। आपको सिस्टम से चलना होगा वन बाय वन, कि पहले हमें ये 3 निकालना है, फिर हमने इन एंगल्स का फायदा उठाना है कि ये दोनों सिमिलैरिटी हैं, फिर प्रोपोर्शनलिटी लगानी है हमें सारी साइड्स की, फिर हमने वो 20/3 निकाला था ना, क्या निकाला था, टीपी को निकाला था, 20/3 टीपी को निकाला था, नहीं नहीं यस, हमने किसको निकाला था, यस टीपी को 20/3 निकाला था। तो वहां तक भी आप रोक सकते हैं 20/3 करके, ये अल्टरनेट मेथड है, ये क्या है हमारा अल्टरनेट मेथड है फॉर सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 3। तो टीपी तो हमारा 20/3 आ ही गया था वहां पे, आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। तो देखो वहां से हमें वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, और ये अल्टरनेट मेथड है, जब हम इसको एक्स और वाई लेंगे तो वो अल्टरनेट मेथड हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं, वहां तक भी स्टॉप कर सकते हैं, वहीं पे आ गया था हमारा टीपी बाय 20/3, राइट बेटा। तो ये हमारा अल्टरनेट मेथड है, जब हमने इसको एक्स और इसको वाई लिया तो वहीं तक भी आप स्टॉप कर सकते हो और क्वेश्चन आसान हो जाता है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रोन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। देखो ये है हमारा सर्कल, और सर्कल का ये है ए बी डायमीटर, इसके एंड पे दो टेंजेंट खींच दी गई हैं, और कहता है बताओ कि ये टेंजेंट, इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये दोनों टेंजेंट क्या हैं, पैरेलल हैं। तो देखिए पहले लिख दीजिए गिवन क्या क्या है, अ सर्कल विद अ सेंटर ओ गिवन है, टू टेंजेंट्स आर गिवन एट द पॉइंट एट द एंड ऑफ द डायमीटर, टू टेंजेंट्स हैं, तो यहाँ पे लिख देना एट द एंड ऑफ डायमीटर, राइट बेटा। तो ए बी आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द सर्कल ऑफ द टेंजेंट्स, और प्रूव क्या करना है, सी इज पैरेलल टू डी, और ए सी या बी डी भी लिख सकते हो, बी डी इज पैरेलल टू ए सी इज पैरेलल टू बी डी, इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। अब ध्यान से देखो, ओ ए सी 90 डिग्री, ओ बी डी 90 डिग्री, वाई, बिकॉज व्हेन वी ड्रॉ और व्हेन वी ज्वाइन ओ ए टू द टेंजेंट ओ फ्रॉम व्हेन वी टेक द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट, तो देन इट मेक्स 90 डिग्री एंगल, मीन्स ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, राइट, ओ इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री के एंगल होंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, जोड़ेंगे तो ओ ए सी प्लस ओ बी डी 180 डिग्री हो जाएगा, ये दोनों 180 डिग्री हो गए हैं, then they have become the angles on the same side of the transversal, and when they are angle on the same side of the transversal
इट मीन्स ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ए बी हैज बिकम ट्रांसवर्सल, एंड व्हेन ए बी इज द ट्रांसवर्सल इट मीन्स दैट ए सी इज पैरेलल टू बी डी, यही हमें प्रूव करना था. ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट्स वेरी इजी. देखिए क्या पूछा गया, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर. कहता है कि ये सर्कल दिया है, ये टेंजेंट दिया है, प्रूव करो कि ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर से पास करता है. तो गिवन क्या है, अ सर्कल विद अ सेंटर ओ एंड ए बी अ टेंजेंट टू द सर्कल एंड पी इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू द सर्कल एंड द टेंजेंट. एंड प्रूव क्या करना है हमें, दैट परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास कर रहा है, ओ से पास कर रहा है. तो हम एज्यूम करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, देखो एज्यूम करते हैं कि ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है. तो देखिए पहली बात, अगर ये यहाँ से पास कर रहा है तो 90 डिग्री का हो जाएगा ओ पी बी एंगल. लेकिन अगर हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंगली ओ डैश पी बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, इसलिए दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड विच इज नॉट पॉसिबल. क्या दो एंगल एक ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में बन रहे हैं, क्या दो एंगल बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो दो 90 डिग्री नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल. सो परपेंडिकुलर पासिस थ्रू द सेंटर ओ ओनली. ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ इट इज इट्स अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, एक एक ए पॉइंट है टेंजेंट पे जिसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, एंड सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड जो ए है वो बी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है. फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, इन दोनों के डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है, तो हमें ओ बी निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो आपको पता ही है व्हेन द डिस्टेंस विच इज फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो इट हैज बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी. इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे, देखिए ओ ए दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर एंड ओ बी हमें निकालना है. तो पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, एच स्केयर ये देखो सबसे बड़ी डिस्टेंस हाइपोटेन्यूस होता है, 5 का स्केयर इज इक्वल टू ओ बी निकालना है, प्लस 4 स्केयर ये 25 ये 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी स्केयर, ओ बी स्केयर इज इक्वल टू 9, ओ बी आ गया अंडर द रूट 9 एंड दैट इज 3 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ गया. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, पाइथागोरस अप्लाई करनी थी बस हमें, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए और फिगर ध्यान से बना लीजिए और 10.1 थ्योरम फिर से देखो लगती जा रही है ना, कितनी लग रही है कि जब भी हम सेंटर से पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट तक जब डिस्टेंस लगाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, ये थ्योरम कितनी लग रही है, ये इसी से हमने इस क्वेश्चन को बड़े आराम से निकाल लिया है. ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, 2 कोसेंट्रिक सर्कल. कोसेंट्रिक कौन होते हैं, जिनका सेंटर एक होता है, एक छोटा सर्कल उसके बाहर एक बड़ा सर्कल. तो छोटे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर और ए बी कोड है, लेकिन अंदर छोटे वाले की बन गई टेंजेंट, और टेंजेंट से जब सेंटर को मिलाते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो परपेंडिकुलर होता है, ये देखो ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ओ सी बी बन गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल. इस पे लगा दो पाइथागोरस, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमारा एच स्केयर है 5 स्केयर, पी स्केयर 3 स्केयर, बी सी हमने निकालना है तो बी सी को निकाल लिया, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, बी सी आ गया 4 सेंटीमीटर, ये देखो. फिर हमने एक थ्योरम एग्जाम्पल नंबर 1 किया था हमारे, आपकी बुक का ही है एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें ऐसे ही कोसेंट्रिक सर्कल दिए हुए थे और हमने प्रूव किया था कि ओ सी जो है इस कोड ए बी को बाइसेक्ट करती है, ओ सी जो है इस कोड ए बी को बाइसेक्ट करती है, तो वही चीज हमने लगा दी है इसमें. ए बी क्या है, ए बी है ए सी प्लस बी सी, अब बी सी हमने अभी निकाली है 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस 4 आ गया 8 सेंटीमीटर. ओके बेटा, तो कितना आसान क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक में, यस
जो है एग्जाम्पल नंबर वन हमने किया था। देखो यस ऑन पेज नंबर आपके है 211 पे एग्जाम्पल नंबर वन है, उसको देखना। ऐसे ही कोसेंट्रिक सर्कल है, उसमें हमने प्रूव किया है कि ओसी बायसेक्स ए बी, वो वाला रिजल्ट लगाया है। मैं कह रही थी ना वो भी ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया, बड़े आराम से हमारा क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज मुश्किल हो सकती थी हमें। ठीक है बेटा,